यूट्यूबर कैरी मिनाती और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर आमिर सिद्दीकी के बीच का एक वीडियो ही इस पूरी फसाद का जड़ है। यूट्यूब में हाल ही में कैरी मिनाती का एक वीडियो डिलीट कर दिया। यूट्यूब ने कैरी मिनाती का वीडियो नियम व शर्तों के उल्लंघन को लेकर किया, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मचा कि आमिर सिद्दीकी ने वीडियो को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद अपने फैंस के अनुरोध पर कैरी मिनाती ने टिकटॉक इन्फ्लुएंसर आमिर सिद्दीकी के खिलाफ एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने आमिर की खिंचाई कर दी और इसी वीडियो के बाद बवाल मचा। कैरी मिनाती ने एक तरीके से टिकटॉक की ही खिंचाई की और इसके बाद आशीष चंचलानी, भुवन बाम जैसे यूट्यूबर ने भी कैरी मिनाती का बहुत साथ दिया। दरअसल आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो में कहा था कि टिकटॉक पर यूट्यूब से ज्यादा और बढ़िया कंटेंट है, यूट्यूबर टिकटॉक से आइडिया चुराते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो इसी बात पर पिछले एक महीने से टिकटॉकर और यूट्यूबर्स की लड़ाई चल रही थी दोस्तों। हाल के कुछ दिनों में यूट्यूबर और टिकटॉक यूजर की लड़ाई में टिकटॉक को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। टिकटॉक की रेटिंग 4 से 2 हो गई, फिर 1.2 स्टार आ गई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बैन टिकटॉक ट्रेंड चल रहा। भारत में लॉन्चिंग के बाद से ये पहला मौका था जब टिकटॉक की रेटिंग इतनी कम हो गई। वही अब टिकटॉक की रेटिंग 1.5 स्टार हो गई है और 2.2 करोड़ यूजर्स ने रिव्यू किया है। इसके बाद खबर ये भी है कि गूगल ने टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए यूजर्स रिव्यू डिलीट करना भी शुरू कर दिया था। नोबर्ट एलेकिस ने ट्वीट करके दावा किया है कि गूगल टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए लगातार रिव्यू डिलीट कर रहा है। रिव्यू डिलीट होने के बाद टिकटॉक की रेटिंग 1.2 से 1.6 पहुंच गई। नोबर्ट एलेकिस के ट्वीट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर जब टिकटॉक की रेटिंग 1.2 थी तो उस समय 2.8 करोड़ रिव्यू थे, लेकिन अब रेटिंग 1.6 पहुंच गई है तो रिव्यू की संख्या 2.7 करोड़ हो गई है। इस वक्त टिकटॉक के रिव्यूज 2.2 करोड़ है, यानी 50 लाख डिलीट कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, हर कोई अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा बता रहा है। जो जैसा कि आपको मालूम है, बीते कुछ दिनों में फैजल सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉक स्टार की ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें उन पर एसिड अटैक को बढ़ावा देने का आरोप लगा। इस वीडियो के बाद फैजल का अकाउंट बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ इस बात से शांत नहीं हुआ था। अब लोग लगातार टिकटॉक ऐप को रिपोर्ट कर रहे थे और इसकी वजह से टिकटॉक की रेटिंग गिरने लगी। इसके बाद इसी बीच अभिनेता मुकेश खन्ना ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जी हाँ दोस्तों, मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इसे एक वीडियो दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि दोस्तों और भी काम है जमाने में टिकटॉक करने के सिवाय। कोरोना की बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आ गई कि एक और दूसरा चाइनीज वायरस जिसका नाम टिकटॉक है, वो टिकटॉक करते हुए हमसे दूर ओझल होता चला जा रहा है। उसकी रेटिंग 4.5 से 1.3 पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आगे मुकेश खन्ना ये भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरी सलाह पर और लोग चाहते हैं कि टिकटॉक दूर हो जाए, और उन सबकी सलाह पर हम लोग धीरे धीरे टिकटॉक का खात्मा कर रहे हैं, और इससे बड़ी और खुशी की खबर नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि आप चाइनीज प्रोडक्ट की लिस्ट में सबसे पहला नाम टिकटॉक का ही रखिए और उसे दूर कीजिए और आज के युवा को बिगड़ने से बचाइए। इसके बाद मुकेश खन्ना ने अपने कैप्शन में ये भी लिखा कि टिकटॉक घड़ी में सुनना सुहावना लगता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी का घर, मोहल्ले, सड़क चौराहे पर चंद पलों की फेम को पाने के लिए सुर बेसुर में टिकटॉक करना बेहूदी का पिटारा लगता है। कोरोना एक चाइनीज वायरस है, ये सब जान चुके हैं, पर टिकटॉक भी उसी बिरादरी का है, ये भी जानना जरूरी है। टिकटॉक फालतू लोगों का काम है और ये उन्हें भी फालतू बनाता चला जा रहा है। इन बेकाबू बने वीडियोस के माध्यम से आज के युवाओं में अश्लीलता, बेहुदी और फुहड़ता घुसता चला जा रहा है और इसका बंद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि इसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, मैं इस मुहिम के साथ हूँ। और केवल यही नहीं दोस्तों, मुकेश खन्ना ने एक वीडियो भी बनाए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैरी मिनाती का समर्थन करता हूँ जिन्होंने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठाई है। कैरी की वीडियो हटाना मेरे हिसाब से गलत है। अगर डिलीट ही करना है तो उन सभी वीडियोस को डिलीट कीजिए जो आपत्तिजनक होते हैं।